अगर ये चीटिंग कर रहे हैं तो ये क्या फायदा? कौन चीटिंग कर रहा है? मतलब वही बीसीसीआई कर रहा है ना, बीसीसीआई तो कर रहा है। सोची समझिए माइंडसेट तो यही कहता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं था, होना चाहिए किसी और कंट्री को चूज कर ले। मेरा ख्याल है अगली दफा हमें वर्ल्ड कप पाकिस्तान में करवाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कैसे अब सब भाई, देख लीजिए ये है पाकिस्तानियों की सोच, पाकिस्तानियों के लिए नई वीडियो। और आपने जैसे ही देखा और आगे आप जब देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि भाई वर्ल्ड कप में इंडिया ने लगातार 9 मैच जीते हैं और इसमें पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई साजिश है ये और बीसीसीआई साजिश कर रही है इसलिए इंडिया जीत रही है। अबे गधो, अबे मूर्खो, तुम देखो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है इंडिया की। इंडिया मैच खेल रहा है, इंडिया के बैट्समैन ऊपर से नीचे तक जिसको देखो वही सेंचुरी मारा। केएल राहुल को मौका मिल रहा है वो सेंचुरी ठोक रहा है। अगर श्रेयस अय्यर को मौका मिल रहा वो, कोहली और रोहित शर्मा क्लास क्लास, शुभमन गिल, यार क्या नहीं है इंडिया के पास। लेते हो बहुत बड़े बड़े, तो भैया आप छोटी मोटी टीमों के साथ खेलो, नंबर वन बनो, नंबर दो जब आपको बड़े टूर्नामेंट पे आओगे तो आपकी ऐसी हालत होगी। बाकी आप बने रहे हमारे साथ, थोड़ा सा इनका कमेडी सुन लीजिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। इंडिया में है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ना बस अपने ना वो 9 मैचेस खेलने के लिए गया हुआ इंडिया, उसे पता है कि हमने हारना है, हमने सेमीफाइनल खेलना ही नहीं है, दैट्स इट। उनका इन्वेस्टमेंट है कि वो क्रिकेट पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्ट से, वो यंगस्टर को कितना मौका दे रहे हैं, उधर पर क्रिकेट की कितनी अपॉर्चुनिटीज है। स्टार्ट से अगर हम देखें तो उनकी जो जैसी बैटिंग है, जो उनकी टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर क्या लास्ट तक उनके पास जो है ना सारी बैट्समैन है, और उनकी जो आपको पता है ना उनकी कभी भी 6 विकेट्स गिरी ही नहीं है, क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर इतनी अच्छी बैटिंग करती है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सब ने मिलके एक तो पाकिस्तान को बाहर किया है, अच्छा, और सेकंड ये कि पाकिस्तानी टीम जो है ना वो जो उसने लड़के खिलाए हैं वो इस काबिल भी नहीं है कि उनको वर्ल्ड कप में लेके जाया जाए। अच्छा। और इंडिया जो है वो सबको पता है, कोई रोंदी मार रहा है वो सारा, कोई उसमें कर रहा है वो बॉल भी चेंज कर रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग कह रहे हैं, सुनने में आ रही हैं। अंपायरिंग भी जो है ना वो कोई अच्छी नहीं हो रही वहाँ पे। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो इंडिया में इस टाइम समझ लें कि वर्ल्ड कप जो है ना वो एक फितना है, वो एक स्ट्रेटजी है, वो तो समझ लें कि वर्ल्ड वाइड जो है ना वो एक कैंपेन कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप आप वैसे के आप हम आपको दे देते हैं। साजिशें और इतना हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस देखी है, हमारे यहाँ पे बोर्ड को देखा है आपने, जो यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ठीक ठाक चल रही है। अभी मैं ये न्यूज़ अभी मैं पढ़कर आया हूँ ट्विटर पे कि श्रीलंका का जो उन्होंने बैन कर दिया और पाकिस्तान अंडर ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले तो हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए ना, सारी बातें छोड़ दें, फिर इसके बाद जाके हम उनकी बातें करेंगे। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या नहीं कर रहा। वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हो रहा था तो हमें लग रहा था कि उनकी बॉलिंग बहुत कमज़ोर है, लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिख रही, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं उनको 50 पे 70 पे 100 किसी को आगे जाने दे ही नहीं रहे। अभी देखिए साउथ अफ्रीका सबका जो फेवरेट था वो स्टार्ट से कैसे खेल रहे थे, लेकिन वो भी अनबीटेबल ही थे, लेकिन इंडिया ने उनके साथ क्या कर दिया। इंडिया ही तो फिक्स करता खुद, किसी ने उसके लिए फिक्स नहीं करना, इंडिया ही तो फिक्सिंग करता सारी। बिग थ्री देख लें आप, तीनों बीच में है, बाकी सारी आउट है। तो क्या फायदा इंडिया को इस तरह वर्ल्ड कप फिक्स करने का? बस ये उनको पता हो इस तरह की क्रिकेट का मजा ही नहीं आता बिल्कुल भी, लोग देख ही नहीं रहे वर्ल्ड कप को। क्या इंडिया ये जीत डिजर्व करता है? देखिए चीट करके तो कुछ भी नहीं डिजर्व हो सकता ना, क्रिकेट उनके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बताते हैं अगर कोहली जैसा इतना बड़ा प्लेयर, रोहित शर्मा जैसा इतना बड़े, इतने टैलेंटेड प्लेयर वहाँ पे खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये चीटिंग कर रहे हैं तो क्या फायदा? चीटिंग कर रहा है मतलब वही बीसी का नाम। मेरा नाम इब्तिसाम भट्ट। आदिल इमरान। नासिर खान। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, लेकिन आज इंडिया ने नीदरलैंड को हरा कर 9वां मैच भी अपने नाम कर लिया है। लगातार इंडिया वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जीतता हुआ जा रहा है, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के साथ साथ इंडिया इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आज बाहर है। क्या कहेंगे इंडिया की लगातार जीत पर और पाकिस्तान की हार पर? देखिए इंडिया के पास तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है इस टाइम, ठीक है, आप विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा है उनके पास, शमीन गिल है उनके पास, ठीक है, उनकी वर्ल्ड क्लास है उनकी उन बैट्समैन की, उनके पास बॉलर हैं मोहम्मद शमी है अपना, उसके बाद इनके अपना उसके स्पिनर जडेजा है इनके पास स्पिनर, उसके बाद इनके बुमराह है, ठीक है। देखिए उनके पास उनका एक उनकी एक मैनेजमेंट है, उनकी एक स्ट्रेटजी है कि हमने आज हमारा आज ये स्कोप है, जो नेक्स्ट टीम है वो आज ऐसा खेली हमने ऐसा खेलना है। हमारे पास देखना अगर हम अपना कंपेरिजन करें, टोटल पॉलिटिशियन हमारी अब टीम के अंदर आ गई हुई है, जो ऊपर से ऑर्डर है चीफ सेक्रेटरी साहब और अपना एंड दी एंड ऑन द स्पॉट कह रहे हैं भाई मैं यहाँ से रिटायरमेंट दे रहा हूँ। देखिए हमारा तो ऊपर कोई समझ लें कि एक जो लीडर ही हमारे ऊपर नहीं है, वो अपना जो टीम है वो लापरवाही से खेल रही है, बस खेल रही है अपना, वो पेमेंट ले रहे हैं अपने, चल रहे हैं उनका, लेकिन आज हम बहुत मायूस हुए हैं,
बहुत मायूस हम आज हुए हैं। हमारी इतनी इनके ऊपर एक्सपेक्टेशन थी कि यार हम जो है ना अपना वर्ल्ड कप देख रहे हैं कि हम लेके आएंगे अपने पास, लेकिन अब आप देखेंगे आज भी आज उन्होंने कहा है अपना बीसीसीआई ने कहा है कि ऐसी बोला कि हम जो है ना लीगल इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है ना वो श्रीलंका की टीम उन्होंने बैन की है। लेकिन यह कि जैसे हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया ने अगर बेहतर परफॉर्म किया या इस टाइम वो अपने 9 के 9 मैचेस जीती है तो उन्होंने परफॉर्म किया है, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो डिज़र्व भी करते हैं, ठीक है। हमें जो है हमारी परफॉर्मेंस नहीं ठीक, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्ट्रेटजी देखनी चाहिए, ठीक है। लाइक दैट हमारे कैप्टन हैं, बाबर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उन्हें फर्दर अभी एक एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत है जो उन्हें यूटिलाइज़ करें। बाबर को हमें चाहिए कि हम यूटिलाइज़ करें, अंडर प्रेशर ना उसे परफॉर्म हो रहा है ना उसे कैप्टनसी हो रही है, तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ को जो है ना वो कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसमें हमारी जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है इसे हमें आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हमारे पास हैं, वसीम अकरम है, सकलैन मुश्ताक है, इस जैसे हमारे पास रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर्स हैं, तो हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए जो फॉरेन प्लेयर्स उनकी हेल्प ले रहे हैं। इंडिया जैसे इरफान पठान ने उसे वसीम अकरम को बजाते खुद उसने हायर किया था अपना पर्सनल कोच उसे बॉलिंग सीखने के लिए, अगर इंडियंस उनसे फायदा ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनसे फायदा ले सकते। सर इस वक्त पाकिस्तान के वाम ज्यादातर इंडिया पर ब्लेम कर रही है कि इंडिया चीटिंग करके रोंदिया मार कर आज यहाँ पर पहुंचे। वो जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो इंडिया में इस टाइम समझ लें कि वर्ल्ड कप जो है ना वो एक फितना है, वो एक स्ट्रेटजी है, वो तो समझ लें कि वर्ल्ड वाइड जो है ना वो एक कैंपेन कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप आप वैसे के आप हम आपको दे देते हैं। अच्छा ये चीज है, तो ये जो है ना पार्ट ऑफ गेम है, बाकी हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई बात नहीं, बैटल गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज को जो है वो बेहतर करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अच्छा सर क्या आपको भी लगता है कि इंडिया जो ये मैचेस जीत रहा है इसके पीछे कोई बड़ी साजिशें हैं या बड़ी? नहीं नहीं साजिशें नहीं, उसको ये देखें उसको आप साजिशें और इतना हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं। हमने अपनी परफॉर्मेंस देखी है, हमारे यहाँ पे बोर्ड को देखा है आपने, जो यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ठीक ठाक चल रही है। अभी मैं ये न्यूज़ अभी मैं पढ़कर आया हूँ ट्विटर पे कि श्रीलंका का जो उन्होंने बैन कर दिया और पाकिस्तान अंडर ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले तो हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए ना, सारी बातें छोड़ दें, फिर इसके बाद जाके हम उनकी बातें करेंगे। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या नहीं कर रहा, हमें पहले अपने घर को देखना चाहिए। क्या इंडिया ये जीत डिजर्व करता है? देखिए चीट करके तो कुछ भी नहीं डिजर्व हो सकता ना। आप ये देखें हमारे कोई क्रिकेट उनके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बताते हैं अगर कोहली जैसा इतना बड़ा प्लेयर, रोहित शर्मा जैसा इतना बड़ा, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये चीटिंग कर रहे हैं तो क्या फायदा है? चीटिंग कर रहा है मतलब वही बीसीसीआई कर रहा है ना, बीसीसीआई तो कर रहा है। इसका कोई सबूत है आप पाकिस्तानियों के पास? देखिए पाकिस्तानियों के पास सबूत नहीं है, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं ना सब उनको ये ज्यादा उनको समझ आएगी। आम जो शहरी या आप किसी आम बंदे से बात करेंगे ना तो ये चीजें उनको समझ नहीं आएंगी। जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको ये चीज़ें समझ आएंगी, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है। एक चीज़ है अब देखें हम बड़ा बारीकी से हम अगर उसको देखें ना तो वहाँ से जाके आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चीटिंग कैसे की जा रही है। बड़ी प्री प्लान चीटिंग है और बड़ी ना टेक्निकली तरीके से चीटिंग कर रहे हैं जिसका तो पाकिस्तानी भी कर लेते थोड़ी सी। नहीं पाकिस्तान इसलिए कर रहे हैं इतने इस वक्त इंडिया में है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ना बस अपने ना वो 9 मैचेस खेलने के लिए गया हुआ इंडिया, उसे पता है कि हमने हारना है, हमने सेमीफाइनल खेलना ही नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड कप ही एक जो है ना वो सोची समझी एक लॉबी है। अच्छा। जो वर्ल्ड वाइड जो एक कंपेन चल रही है, हमारा माइंडसेट तो यही कहता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं था होना चाहिए, किसी और कंट्री को चूज कर लिया। अगली दफा हमें वर्ल्ड कप पाकिस्तान में करवाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है ये, इसमें हमें जो है ना जैसे इंडिया ने पहले उनके जो ओपनिंग सेरेमनी जो मैचेस थे वो हमारे पाकिस्तान में थे लेकिन इंडिया ने आने से मना कर दिया था, तो इस पे हमें चाहिए था कि हमारे जो बोर्ड है, हमारे जो चीफ सेलेक्टर्स हैं उन्हें स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन अब उस पे ये जो चीज़ है इस पे हमारे प्लेयर्स ने स्टेप नहीं लेना, इस पे हमारे बोर्ड ने स्टेप लेना है। तो भाई देख लीजिए पाकिस्तानी कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगला वर्ल्ड कप अब वो पाकिस्तान में करवाएंगे और फिर वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो भैया मुंगेरी लाल के असीन सपने देखते रहिए, आपके पास टीम नहीं है, जब तक आपकी टीम बैलेंस नहीं होगी तो आप कहीं जहां मर्जी करवाएं वर्ल्ड कप, यार पाकिस्तान में छोड़ के आप जहां मर्जी करवा दीजिए, आप नहीं जीत सकते हो, तो ये भूल जाएं आप। बाकी अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो तब तक दीजिए ज़्यादा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद।